नमस्कार, मैं हूं ज्योति बिष्ट। आप देख रहे हैं भारत फोकस न्यूज। गाजियाबाद से खबर सामने आ रही है। गाजियाबाद के ब्रजविहार इलाके में एक नाबालिग से रेप के मामले ने इलाके में तनाव बढ़ा दिया है। गुरुवार की शाम को आरोपी कबाड़ी और उसके आसपास की दुकानों के बाहर तोड़फोड़ की घटनाएं हुई। लोगों ने सूर्य नगर पुलिस चौकी के पास हंगामा किया और रोड जाम कर दिया। शाम होते होते भीड़ उग्र हो गई, जिसके बाद पुलिस को स्थिति काबू करने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा। पुलिस ने लाठी चार्ज कर लोगों को रोड से हटाया और यातायात बहाल किया। लोगों का आरोप है कि इस रेप मामले में एक से ज़्यादा आरोपी शामिल हैं, जबकि पुलिस का दावा है कि मुख्य आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जाँच जारी है। गौरतलब है कि नाबालिग से रेप के इस मामले में गिरफ्तार आरोपी एक कबाड़ी है। आरोपी अलग समुदाय से है। पुलिस ने शांति बनाए रखने की अपील की है और लोगों से संयम बरतने की अपील की है। पुलिस का कहना है कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि इलाके में स्थिति सामान्य हो सके। कल शाम को थाने पे लिंक रोड पे एक नाबालिग बच्ची के साथ मारपीट के पहले इन्फॉर्मेशन आई तो तत्काल मौके पर SO और चौकी प्रभारीगण पहुँच कर बच्ची को मेडिकल कराया गया है और उनके माँ बाप से भी बात की गई है और उनसे तहरीर लेके उसी वक्त जब उनके माँ बाप के द्वारा बताया गया है कि मेरी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, तत्काल मुकदमा रेप में दर्ज कर ली गई है और जो अपराधी जिसका सस्पेक्ट था उसको तुरंत हिरासत में ले लिया गया है। जो कुछ लोग जो आए हैं, इनमें से परिवार के लोग के अलावा भी लोग आए हैं, उनका एलिगेशन है एक गिरफ्तार हुआ है, बाकी और भी लोग हो सकते हैं। इसमें किसी का नाम नहीं लिया जा रहा है और किसी के पास कोई साक्ष्य भी नहीं है। इसमें कुछ लोगों ने जो आशंका जताया, वहाँ पे कबाड़ के जो कॉलोनी के अंदर जो है कबाड़ की जो दुकानें खोली हुई हैं और उसमें जो लोग रह रहे हैं वो बदतमीजी करते हैं, तो इस संबंध में मेरे द्वारा SHO को भी और ACP और DCP को बता दिया गया है। तत्काल जो भी बाहर के व्यक्ति वहाँ रह रहा हो और कॉलोनियों में कबाड़ के काम कर रहे हो, आश्वासन दिया है, वो तत्काल उसके अगर नियम विरुद्ध वो चल रहा है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक मुकदमा है रेप की बच्ची का, जो 161 के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है और बच्ची का 161 के तहत जो वीडियो रिकॉर्डिंग महिला कर्मचारी द्वारा रिकॉर्ड किया गया है, महिला जो बच्ची है जो पीड़िता है उसने जो बताया वो सारे तथ्य हम लोगों ने FIR में भी इंक्लूड किया है और अपने बयानों में भी इंक्लूड किया है। आगे जो भी तथ्य जो आएगा सामने उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। एक जो पहला तहरीर मिला हमको परिवार की ओर से, रेप में जो तहरीर मिला है रेप में ही दर्ज हुआ है और अब जो इन लोगों का कहना है, आशंका जताना है, इनको एक से अधिक हो सकते हैं और बट इनके पास कोई ऐसा नाम या फिर उस तरह से नहीं जाए तो इसमें अभी नहीं, पुलिस का तो अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है। शुरू होते ही जो मेन सस्पेक्ट था उसको उठा लिया गया, उससे भी पूछताछ की जा रही है। उसका कहना है मैं अकेला हूँ, बट वो उस पर भी हम विश्वास नहीं करेंगे, समय साक्ष्य का भी इकट्ठा करेंगे और पीड़िता से भी एक महिला और मनोवैज्ञानिक जो रहा उनसे भी काउंसलिंग करके उनसे भी और चीज़ें निकलवानी। आरोपी का नाम है फैजान, ये दिल्ली का शायद सईनगर का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। उसी पीड़िता के घर के आसपास ही इसका कबाड़ी का काम है, वो एक दूसरे को जानते हैं।